हेलो, हाँ रामविलास से बात कराओ। हेलो हाँ, रामविलास से बात कराओ। जी, कौन? मैं ललन दुबे गोरखपुर से बोल रहा हूँ। हेलो। किस बारे में बात करनी है? अरे, बात कर रही है यार, धर्मनगरी बाबा गोरखनाथ की धरती से बोल रहा हूँ। उनसे बात करनी थी, बड़ी जरूरी है। आदरणीय रामविलास जी से बात करा दीजिए प्लीज। ठीक है, बात करा देंगे इधर से। ठीक है, अभी मंत्री जी तो मीटिंग में हैं पार्लियामेंट मंत्री जी से कह दीजिएगा, में। उनकी गांड में बहुत ज्यादा कीड़ा है। SC ST एक्ट वही बहुत कारण है, पावरफुल बने हुए हैं। कह दीजिएगा हिसाब से रहें, सवर्णों का खून न खौलाएं। या फोन करके बताइएगा, मेरा नाम भी बताइएगा। हेलो, हाँ बोलिए ललन दुबे जी। आप टेप कर रहे हैं, टेप कर लीजिए मेरी बात को। उनको कह दीजिए कि देश में अगर राजनीति करनी है तो स्वच्छ राजनीति करें, जाति पात की राजनीति ना करें। अब समय आ गया है चुनाव का, तो उनको बहुत याद आने लगा SC ST एक्ट। यह जाति एक है, सारे मानव एक हैं, संविधान ललन, एक है। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन ये जात पात की बात थोड़ी हो रही है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से राइट है जी। कहाँ अरे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जी? कॉन्स्टिट्यूशन बांटेगा इंसान को? बांट कोई बांट रहा है, ये तो रहा कॉन्स्टिट्यूशन। है? रामविलास बड़का नेता हो गया है? कह दो सही से रहे। सही से रहने का मतलब, मेरा तात्पर्य यह है क्या मतलब, कि तात्पर्य क्या है सही से? मेरा तात्पर्य यह है कि मानव में विभेद न करें। मानव में विभेद की बात हो रही है जी। अरे जी, ये विभेद की ही बात है। बहुत बड़ा हीरो बन रहा है यह, खाली का नाम है। सुनिए, खाली स्वार्थ की राजनीति किया इसने जीवन भर, रामविलास ने। ये क्या नाम है, ब्राह्मण से शादी करके, ये क्या नाम है, ये किया क्या SC ST के लिए? इसने किया क्या हमको बताओ ना यार। आपकी मानसिकता में यही बात है तो क्या कीजिएगा, इसमें ये तो कोई किया ही दिमाग। कुछ नहीं, ये स्वार्थी आदमी है। ये निचले स्तर को SC ST में कोई लाभ देना ही नहीं चाहता। इसको जरूरत है क्या आरक्षण की? जीवन किनको? भर मंत्री रहा, इसको क्या जरूरत है आरक्षण की? ये आरक्षण छोड़े, बहुत ही गंदा आदमी है ये। गरीबों का हक खा रहा है ये, हक कोई गरीब का हक नहीं खा रहा जी। खा रहा है ये। कैसे पता चल रहा है कि गरीबों का मैं हक? बोल रहा हूँ, मैं ललन दुबे, मेरा नाम फिर याद करो, गोरखपुर की धरती से हूँ, उससे डरने कोई वाला नहीं हूँ। अब मैं भी ललन बैठता दुबे है, इस कोई भी चीज का बैठता है अंत करूंगा, इस जात पात का, ऐसे नेताओं का, रामविलास जैसे, मायावती जैसे। मिस्टर दुबे जी, कोई भी हाँ, धरती से रहेंगे तो इसका क्या मतलब आप? क्या? आइडेंटिफिकेशन करना चाह रहे हैं कि हेलो, गोरख धरती से यह हूँ? मंत्री बना हुआ है, ये आरक्षित कोटे से लड़ेगा, नहीं ये आरक्षित कोटे से लड़ेगा। इसको आरक्षण की जरूरत है, इसके नहीं नहीं बच्चे को आरक्षण की आरक्षण जरूरत है। इतना तो भला कि नहीं, इससे कहो कितना भला किया ये, हमको सूची दर उपलब्ध कराए गरीबों का। आप देखिए, आप साइट देखिए, जो जो मंत्रालय में अरे थे। यार, यह बहुत ही गंदा आदमी है, ये साला बहुत ही गंदा आदमी है। मैं कह रहा हूँ, मेरे ऊपर केस दर्ज करा देना कल। देखिए ललन जी, जरा जी, कॉन्स्टिट्यूशन के ढंग से बात मैं कीजिएगा। एकदम ढंग से बात कर रहा हूँ। इसको इस दुनिया से बाहर करूंगा, इसको इंडिया में रहना ही नहीं है। ऐसे लोग जो है कि इंडिया में जाति पात धर्म के नाम पे जो है इंडिया का एकदम खात्मा कर रहे हैं। जात पात को विभाजन तो आप लोग ने किया है ना जी? बहुत गंदा आदमी है साला। हम लोग जो है, अगर सवर्णों की बात करते हो तुम, तो सुनो मेरी बात को। सवर्णों ने ऐसे लोगों के लिए खाना पीना, इनके लड़कियों के शादी का सारा इंतजाम किया है। मिस्टर इतिहास जी, उठा के देखो, आप सुनो, सुनो। इतिहास उठा के देख लो। अरे इतिहास आपसे ज्यादा जानता हूँ, आप सुनो कुछ मेरी नहीं बात। जानते, तुमको इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। तुम लोग केवल जो है स्वार्थी लोग हो, अपने स्वार्थ में देश को बेच दोगे। बेचा है तुम लोगों ने। अब मोदी जैसा मूर्ख आदमी प्रधानमंत्री बना है इस देश का, जिनको समझ नहीं है, इस बार साफ है वो। रामविलास इस चीज को समझ के, रामविलास गणितज्ञ आदमी है। आपको कोई चीज से तकलीफ है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से आप बात कीजिए, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कर्तव्य। क्या मुझे तकलीफ है? या होने नहीं दूंगा मैं ललन दुबे। ये तो ललन दुबे, आप हो क्या अरे चीज? सुनो यार, मैं एक मानव हूँ और तुम्हारे लिए दानव हूँ, ये चीज को समझ लेना। मानव और दानव तुम खुद अपने आप के लिए हो, मेरे सुनो लिए सुनो, हो?
या SC ST एक्ट मैं चलने नहीं दूंगा दोस्त, रामविलास जी से कह दीजिएगा। मैं मिला हूँ, मैं गया हूँ घर पे, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आज मुझे कष्ट है, यह सब केवल राजनीति करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने ऐसो आराम के लिए। आपका आप ये आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? आपको मुझे दर्द नहीं होगा? बेवजह ब्लैकमेल का एक हथियार ला रहे हो तुम लोग, मुझे दर्द नहीं होगा? मेरे भाई बेवजह जेल जाएंगे, बेगुनाह जेल जाएंगे। अब क्या करोगे फिर? तो अब तो वही पुनरावृत्ति हो गया नियम SC ST। सुनो, अब क्या करोगे तुम? हम सवर्ण हैं, हम इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। इसके लिए जो हर संभव प्रयास होगा वो हम करेंगे। अरे आपसे कुछ नहीं होगा। अरे आज भी तुम हम ही से लड़ रहे हो, आगे भी लड़ोगे। इसीलिए तुम्हारे में दम हो तो रामविलास से बात कराओ। आप तुम समझो कि सदियों से लड़ते, सुन रहे चूतिया नहीं, रामविलास से बात कराना, तुम उसका आदमी है, तुम बात कराओ उससे। अरे पहले मुझसे आप बात करो ना, वहाँ पहुँचना तो दूर की बात है। मेरे अरे उसका पहुँचना क्या, उसकी औकात क्या है यार, क्या बात करते हो? उसके जैसे कन खजूरे से हम क्या नाम है ऐसा बात करते हो, उसके पहुँचना, अरे उसको हम क्या समझते हैं यार, उसका हैसियत क्या है? सुनो सुनो सुनो, अगर मेरे से स्वार्थ प्रति आदमी अपने महत्व पासवानों का हक मार के खा रहा है केवल चूतिया बना रहा है जीवन में, और चूंकि पढ़ाई लिखी क्या नाम है जनता नहीं है, यह एक दर्द है, मुझे यह भी दर्द है। जिस दिन यह गरीब पढ़ लिख जाएगा रामविलास जैसो को घास देगा क्या? अच्छा ललन जी, जी आप सवर्ण हो के, आप सवर्ण के लिए क्या किए? मैं सवर्ण के लिए नहीं करता, मैं मानवता के लिए करता। सवर्ण गलत है तो गलत है, मानवता के लिए, अगर मानवता के लिए करता, मानवता के लिए करता हूँ, दर्द नहीं होता, समझा? मानवता के लिए करता हूँ इसलिए बात करता हूँ। मानवता मानवता अगर कोई चाहे जो ये सरकार द्वारा बांटी हुई OBC हो, SC ST हो या जनरल क्लास हो, जो मानव मानवता करता है, मानवता से पेश आता है, वो मेरे सर आंखों पे, और जो दानवता का क्या नाम है परिचय दे, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो OBC हो, चाहे SC ST हो, हमारे लिए वो रावण से कम नहीं है। आपके दिल में क्यों दर्द छलक रहा है? अबे बड़े आदमी चूतियों चूतिये टाइप के आदमी हो क्या बे? जो बिना कुछ किए एकदम सलाखों के पीछे चला जाए, केवल दलित एक्ट, क्यों दर्द छलक रहा है? केवल ब्लैकमेल का एक ये हो भाई, मोदी रहेंगे का 2019 में साफ हो जाएंगे बेटा, कह दो रामविलास इसीलिए पल्ला अपना बदल ला। भाषण कर मोदी से बात करो जाके। अरे मोदी नहीं, हम रामविलास की बात कर रहे हैं, उसमें दम होगा, अपनी माँ का दूध पिया होगा, सच्चा इंसान होगा, तो हम ललन दुबे से बात करेगा, कह देना उससे। तो पहले मुझे से बात करो ना। ए चूतिया, तुम साला आरक्षण प्राप्त आदमी है, तुम पढ़ा लिखा ही नहीं लग रहा है, तुम क्या बात करेगा? पढ़े लिखे हो, देखो आज OBC बिल का संवैधानिक दर्जा दिया। तुम साला चूतिया, तुम अपना नाम तो बता, तुम्हारा नाम क्या है? हम तो चूतिया तो नहीं है, सबसे बड़ा नहीं, बहुत बड़ा चूतिया है तुम, तुमको हम बातें नहीं करने लायक समझता, लेकिन क्या करेगा, एक चूतिये का तुम पिए है तो चूतियापा ही न बतियाएगा। रे चूतिया, रामविलास को समझा देना, ज्यादा होश में कम से कम बेहोश न हो, मानवता की बात करे वो। सबसे बड़ा चूतिया तो तुम, चूतियापा वाली बात नहीं होनी चाहिए, मानवता की बात होनी चाहिए। अरे छोरों ने मानवता की बात अगर करता तो तुम SC ST के बात कैसे करने लगा बता? अरे SC ST ब्लैकमेलर तुम लोग, SC ST की बात करता है, खाली ब्लैकमेल करेगा जीवन भर साले ना, क्या नाम है, तुम लोगों का कोई इतिहास रहा भारत की आजादी में? सीमा पे लड़ने गए तो साले भाग के चले आए, सीमा में सेना में आरक्षण ही नहीं है। अरे चूतिया, लड़ाई लड़े हम क्या रहा? आजादी की लड़ाई लड़े हम, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू। अरे चूतिया, एक आरक्षण वाले का नाम बता ना। तुम्हारे घर में कौन शहीद हो गया था आजादी के दौरान? तो महा चूतिया, अरे का कुछ पढ़ा लिखा नहीं है का? रे तू सबसे बड़ा पढ़ा लिखा, सुन सुन मेरा, मैं नाम गिना रहा हूँ, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। ये उदाहरण तुम क्यों पेश कर रहे हो? अरे महाचूतिया, क्या रे आजादी लड़ के तुमको मेवा खाने को ये हरामखोर सरकार दे रही है, इसलिए पेश कर रहा हूँ। बताओ
तुम जैसे चूतिए जो कभी ना लड़ाई, तुम लोग खाली हराम खोर फोकट चोदू हो, फोकट चोदू हो सकते हो। सुनो, एससी एसटी के कमाई खा के तो तुम लोग पेट पाल। अरे साले नहीं भीख मांगे, तुम का एससी एसटी वाला हमको कमाई देगा? रे रामबिलसवास बात करा ना भोखड़ी वाले से, माधर चोर से बात करा, उसकी माँ सुनो, भोसड़ी के गाली देता है, उसकी माँ भोसड़ा माधर चोर से कह देना की सही में रहे, बहुत एससी एसटी एक्ट वाली बात ना करे माधर चोर। ललन दुबे तू सबसे बड़ा। अरे उनके माई का भोसड़ा चोर देव, इनकी माँ का चोर, जन सैलाब लेके आई कह दिया उनके बिल्डिंग में, खाने के साला का साला में पैदा लिया, खाने का गांडू भोसड़ी वाला भंगड़ी माधर चोर, उसको बोल देना रे माधर चोर तेरी माँ का। मेरे माधर चोर तू क्या तू बात करेगा, रख तेरी माँ का, चुनो नहीं भोसड़ी का, उसकी बात कर देना भोसड़ी वाले।